अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। चौधरी साहब, आरक्षण की अगर हम लोग बात करें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से जिन लोगों की सरकारी नौकरियां लग गई हैं और वो लोग बड़े इत्मीनान से बैठ गए हैं अपने घर के अंदर, वो समाज की बात नहीं करते हैं, वो देश की बात नहीं करते हैं या बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, उन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे समाज के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पढ़ना चाहिए, भगवान बुद्ध को उन्हें अध्ययन करना चाहिए, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर उनको फोकस करना चाहिए, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जैसा आपने सवाल किया कि ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को व्यक्तिवाद तक सीमित कर रखा है, अगर एक हम लोकसभा की बात करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, तो एक आदमी लोकसभा लड़ता है, उसके बाद उसका बेटा लड़ता है, फिर उसके बाद उसका बेटा लड़ता है, तो किसी दूसरे परिवार को मौका तो मिलता ही नहीं है। मिनिस्टर भी यही बनते हैं, इसी टाइप से बनते चले जाते हैं, दूसरे लोगों को मौका मिलता ही नहीं है। सरकारी नौकरी में भी यही समस्या आ रही है कि एक नौकरी में आ गया तो उसके दूसरे उसकी पीढ़ी दूसरी भी नौकरी में आ जाती है, फिर तीसरी भी नौकरी में आ जाती है, गाँव के गरीब आदमी को उसमें भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो सवाल आपने किया है कि ये जो फिलहाल जो वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण में निश्चित रूप से हमको व्यक्तिवाद है उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। हमें गांव में एक बच्चे को गोद लेना चाहिए, गांव में एक बच्चे को अगर हम गोद ले लें तो निश्चित रूप से हम अम्बेडकर जी के सिद्धांत को हम उसको जीवन में उतार पाएंगे, हम एक सही संदेश दे पाएंगे और बाबा साहब के मिशन को हम अपनी श्रद्धांजलि दे पाएंगे। लेकिन हो ये रहा है कि मैं और मेरा बच्चा और मेरा परिवार, हर आदमी यहाँ तक सीमित हो गया है। और निश्चित रूप से सरकार की नौकरी में जो लोग आए हैं, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, उन्होंने तो अपने आप को 100% अपने परिवार तक, अपने बच्चों तक सीमित कर रखा है। मैं यहाँ पर 1984 के दंगों की याद दिलाना चाहता हूँ कि सरदार एक बहुत बड़ी कौम है, बहुत ही सिख एक देश की बड़ी मजबूत कौम मानी जाती है, लेकिन जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो इस देश के अंदर उनके साथ भी उनका भी कत्लेआम हुआ, पूरा देश इस बात का साक्षी है। और इतने मजबूत समाज के साथ में अगर ऐसा हो सकता है तो हम तो बहुत गरीब और कमज़ोर समाज के लोग हैं। हम लोगों को एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए आगे आना चाहिए, अपने आप को अपने परिवार तक सीमित ना रखते हुए एक अच्छे मजबूत समाज के निर्माण की तरफ बढ़ना चाहिए, बाबा साहब को अपना आदर्श मानना चाहिए, उनके सिद्धांतों को व्यवहारिकता में जीवन में उतारना चाहिए। आप अम्बेडकरवादी होकर अम्बेडकरवाद को बेचने का काम ना करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।